लेकिन एक बार अंदर जाओ तो बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, और दूसरी बात उसमें नंबर एक और नंबर दो की सुविधा होनी चाहिए। मगर क्यों? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। दरअसल पत्रकारिता की दुनिया के गांडा सुरेश चौहान के सोशल मीडिया पे एक ठो पोल रखा है, जिसपे लिखा है प्रधानमंत्री के रूप में 2024 के लिए आपकी पसंद कौन है, और ऑप्शन भी दिया नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी। और जरा गौर से देखिएगा, नरेंद्र मोदी में 41% वोट मिले हैं, जबकि राहुल गांधी में 54%। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हर इस पोल को देखने के बाद साहब भी बस यही बोल रहे होंगे, और कितना बेइज्जत कराओगे बाप को बेटा। अरे ये हंसने वाली बात थोड़ी क्यों ना है जी, बेचारा सूरज चौहान के पछता रहा होगा कि मैंने ये ट्वीट किया ही क्यों था। खर इस मासूम भक्त को ये पता ही नहीं है कि अब देश में बीजेपी की प्रचार और पैसे के दम पर बनाई गई झूठी लोकप्रियता देश की जनता समझ चुकी है। अब इन जैसे अनभक्तों को समझ आना बाकी रह गया है। हां भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। बेचारा चौहान के बुरी तरह फंस गया, मोदी भक्ति में ना घर का रहा ना घाट का, अब लोग भी इसको यही बोल रहे हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो इसी पे अमित कुमार लिखते हैं, डिलीट मत करना, सच्चे हिंदू डरते नहीं, भक्तों में रही सच्ची इज्जत भी चली जाएगी, अब क्या करे, बुरे फंसे। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म के का है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मन मांगो वो करो, चाहे हिंदू की छोरी उन्हें ठा के लाओ, जो भी पाप करना है करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया गया, बस नमाज पढ़ो बाकी जो करना है करो। ये पागल हो गया। तो अभी ना ये बाबा अपने मुंह से दूसरे धर्मों के लिए जहर उगल रहा है। नहीं 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 सारू के, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मेरे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, इसलिए कि मैं आपको इस टोपी से ढका हुआ, दो वस्त्रों से ढका हुआ एक मुसलमान नहीं, मैं आपके भीतर उस खुदा के नूर को देखता हूँ, इस भारत माँ के तकदीर और इसके भविष्य को देखता हूँ। समझ रहे हो ना? अरे हाँ, जनता सब समझती है। असल में सलवारी बाबा को मुसलमानों की टोपी और कुर्ते में भारत की तकदीर और अपनी तरक्की दिखाई देती थी। सही पकड़े हैं।